इसलिए हमने जो कास्ट सिस्टम है वर्टिकल से ब्राह्मण का क्षत्रिय उसका वैश्य का शूद्र को न करके हमने होरिजेंटल कर दिया है कि सभी बराबर है। पूजा है, पूजा है, ये सभी अल्बर्ट टॉक में एज ए ब्राह्मण। अम्बेडकर ने कहा कि जब तक तो समाज स्वीकार नहीं करेगा तब तक हम नहीं मानेंगे। तो अल्बर्ट टॉक में आप लोग प्रोफेसर एज ए स्टूडेंट्स जो जाना चाहें जाए, देखें कैसे इनका एक्सेप्टेंस हुआ है समाज में। समाज इनको बैठाता है, अपने थाली में खिलाता है, ग्लास में पानी पिलाता है। जो कभी भी इनको अपने थाली और ग्लास में खिलाने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज जो है सम्मान के साथ उषा को, पूजा को और लोगों को अब सम्मान के साथ बैठाता है, नाश्ता कराता है, बातें करता है, बुलाता है। तो ये जो हमने परिवर्तन लाया है इसको एज ए मॉडल 61 सेंसस में वो 3.5 मिलियन थे, 3.5 मिलियन कैंडिडेट्स थे, उसमें से 8,02,000 आदमी एक्सक्लूसिव का खाना साफ करते थे, बाकी लोग ऑल काम करते थे। तो उसका जो ग्रोथ हुआ होगा उसको आप देख लीजिए। तो सुलभ शौचालय का जो विस्कार किया उससे सभी लोग इस काम से निकल गए। लेकिन अल्बर्ट टॉक का मॉडल जो हमने दिया कि उसमें यदि आप चाहती है सरकार, लोग चाहते हैं, समाज चाहता है, जिसका धन है वो चाहते हैं, तो इन लोगों को समाज के मुख्यधारा से जुड़ा जा सकता है। तो ये है कि जो पूजा खड़ी है हमारे सामने है और उषा जो बैठी हुई है, पंक्षी है, तो बैठी क्या है, और पंक्षी तो लेने के लिए आदमी क्या न क्या करता है। हमको फोन आया कि भाई उषा का पूरा नाम क्या है, हमें नाम जो चाहत देते हैं, क्या बात है। तो क्या बात है ये तो आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, नाम बता दिया। परसों होकर देखते हैं कि अखबार में उषा चौहान पद्मश्री करेगा। बाल वाह, तो मजा ढो रही थी और पद्मश्री। ये जो गांधी का सपना था उसको पूरा किया हमने, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी का सपना है उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये अमृत महोत्सव में ये सारे कार्यक्रम होंगे। तो चलिए उजाला जी, आपको बीच में हमने रोक दिया, व्यवधान कर दिया, समाज चाहते हैं, लेकिन ये है कि ये बताना चाहते हैं कि भाई गॉड हैज, और किताब का टाइटल क्या है, गॉड हैज हेल्प यू टू हेल्प समवन। तो ये है कि जो इंस्पायर करने की चीज़ है कि लोग आगे आए, लोगों को हेल्प करें। चलिए पूजा जी आप खत्म करिए। मैं धन्यवाद उन बहनों को जो आपदा और गरीबी की मार के बावजूद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। फाउंडर सर को जब यह बात पता चली तो उन्होंने उनकी पढ़ाई और खर्च, शादी का खर्च वहन करने की जिम्मेदारी ले ली। किसी भी कार्य को कितनी गहराई से
कितनी निष्ठा से और कितना बड़ा किया जा सकता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूरी दुनिया में इकलौता ये सुलभ शौचालय का है जो कि मैं कम नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पीछे से बोलता हूँ, अपने मंचों से बोलता हूँ इस बात को। लोग किसी भी कार्य को ऐसे ही हल्के में ले लेते, नेग्लेक्ट कर देते, अरे ये सब क्या है, सुलभ शौचालय मतलब थोड़ा हंसी मजाक में लगेगा आपको, ये हगने मूतने का काम है। मूतना ही नहीं आता आपने लोगों को, कैसे जो है हमारे गांव में छोटे से हम बच्चे थे सुना करते थे, इसको तो अभी हगना मुतना नहीं आता, आपने लोगों को हगना मुतना सिखा दिया। हमारे योग में तो सबसे पहला नियम ही शुचिता है, शौच का संतो सतप स्वाध्याय ईशो प्रधानानि नियमा, पहला नियम शुचिता। तो मोदी जी ने अच्छा काम किया है, हम उनकी प्रशंसक हैं और वो हमारे देश की धरोहर है, लेकिन स्वच्छता अभियान का स्वतंत्र भारत में यदि किसी ने उसको आंदोलन की तरह चलाया तो विदेश्वर पाठक जी। और जो सुलभ शौचालय का जो तकनीक है उसका आविष्कार किया था मैंने 1968-79 और वो ने जो आविष्कार ना करते हम तब तो आंदोलन चलता ही नहीं। धर्मपत्नी है ईश्वर की प्रणाम माता श्री आपको। आप तो विंदेश्वर जी से भी ज्यादा यंग लग रही हो आप। ये है भी यंग। विंदेश्वर जी भी बहुत स्वस्थ हैं क्योंकि इतने प्रसन्न रहते हैं और सेवा से हमारा शरीर बल मनोबल आत्मबल बढ़ता है, सेवा से आयुष्य भी बढ़ता है। ये हमारे एक लड़के हैं कुमार दिलीप, ये जो है हमारा कुमार दिलीप जो है ये हमारा लड़का है, मेरा तो सब लड़का ही है, सब भाई है, ऐसे हेमंत एक बायोलॉजिकल जो बात आती है कि बायोलॉजिकल सर है। जैसे आपके करोड़ों शिष्य है उसी प्रकार से हम लोगों में हजार में भी सब पुत्र पुत्री है। आभा आभा ये गई थी आपके पास, ये भी बहुत होशियार बेटी है। हाँ होशियार तो है ही है। आपने एकदम जो आपका लीड करने वाला जो आपका पूरा नेतृत्व है ना जी, वो समर्पित और बहुत ही इसको एक भगवान की पूजा की तरह अपने काम को करते हैं, जैसे भगवत गीता में कहा है ना, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः स्वस्य कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। तो ये भगवान की पूजा मान करके, प्रकृति माता की पूजा मान करके और इस काम को करते हैं, तो ये ऐसी टीम भी मिलना बहुत मुश्किल है मुझे। आज सुलभ का स्थापना दिवस है, आज भी संस्कृति मंत्रालय हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय, तो ये तीनों लोग जो है वो मिल करके इस काम को जो है हम लोग कर रहे हैं। और इन लोग कहना है कि जो ये अमृत महोत्सव है जी जी 75वां, तो उसको आगे ले चलने के लिए, लोगों के बीच में जागृति पैदा करने के लिए, बताने के लिए, तो ये दोनों कार्यक्रम आज है, सुलभ के स्थापना दिवस भी है और तीनों मंत्रालय इससे विदा करके इस संस्कृति ये कार्यक्रम हो रहा है। तो शादी जल्दी हो गई थी, अरे तो शादी नहीं होती आपकी। यही में शामिल होना पड़ता आपको। जो आप बाबा आपने जो बात कही वही बात माननीय राष्ट्रपति जी ने कही इनसे, इनको बुला के गांधी पीस पुरस्कार जब मिला तो गांधी पीस पुरस्कार में उधर पत्नी कहाँ है, जब बुला गया कि पत्नी था तो उस रूम में है, बुलवाया इनको उन्होंने, तो इनसे कहा कि देखिए अच्छा किया कि शादी की इसे कर लिया आपने, तो फिर की शादी नहीं होती। तो जो आपने कहा वो सही कहा, और हम जब वाल्मीकियों के कॉलोनी में रहते थे तो ससुराल गए,
तो सोचा था कि कुछ आदर सत्कार होगा हमारा। वहाँ गए तो हमारे फादर इन लॉ डॉक्टर थे, धनी थे, तो इतना नाराज हो गए हम पर, जाते जाते नाराज हो गए हम पर। ताकि लोग पूछता है दमाद क्या करते, तो मैं क्या कहूँ कि शौचालय की सफाई का काम करते हैं और अछूतों के साथ रहते हैं, यही कहूँ क्या लोगों को मैं। और हम ब्राह्मण नहीं होते तो बेटी की शादी हम दूसरी कर ली होती। तो मैंने कहा कि देखिए अब तो हम गांधी का सपना पूरा करना है और इतिहास का पन्ना उलटना है, यहाँ तो हम उलट देंगे या खो जाएंगे। जब तक उलटते नहीं है तब तक ध्यान आप करिए इनका और बाद में हम ध्यान करेंगे। तो अब खुशी की बात ये है बाबा, ये कि जो कहा गांधी का सपना भी पूरा कर दिया हमने, इतिहास का पन्ना भी उलट दिया और जो टेक्नोलॉजी निकाली, ये पैखाना है कि दो टंकी इसमें होता है, एक चालू होता है और एक बंद रहता है। दो साल के बाद इसको निकाल के खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी ओवर भी कहीं नहीं है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस टेक्नोलॉजी में जो पर्यावरण है, जो गैस निकलने का कोई चांस नहीं है, गैस अवगर होता है मिट्टी के अंदर। और इसमें जो क्लाइमेट चेंज की बात आकर आ रही है, तो मिथेन को हम लोग धरती में ले जाते हैं, आकाश में नहीं छोड़ते। कभी समय नहीं देंगे आपका, एक बार हमारे कैंपस में आप जरूर आइए और आपका सेवा चाहिए, एक बार देख लीजिएगा जब समय मिला आपको, एक बार यहाँ पर एक बार जब यहाँ आके देख लीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और आगे आपका आशीर्वाद से काम बढ़ाएंगे। और इसको हम साफ करते हैं और इसमें भी खाद है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम इसमें भी है उसमें भी है। और इसको जो है तो ह्यूमन वेस्ट को जो है मनुष्य बोल के महिला को इसका पानी तो उसका खाद तो सारे टेक्नोलॉजी जो है इसको बीबीसी ने दुनिया के जो पांच आविष्कार है उसमें से एक आविष्कार सुना, पांच आविष्कार में कितने आविष्कार हुए होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसको जो है अब अमित महोत्सव के माध्यम से इसको पानी का है ही है है। लेकिन सारी दुनिया कहती है कि परमाणु मुक्त होना चाहिए, परमाणु बम से मुक्त होना चाहिए। जो 10-20 देश हैं वो परमाणु बम लेकर के बैठे और कहते सब इससे मुक्त हो जाओ। मैं तो वो भी दिन देखता हूँ आने वाले, चाहे उसमें 20-25 साल लगे, जब ये सो कॉल्ड जो इस समय सुपर पावर है वो भी परमाणु बम से भी मुक्त होगी। और ये पहल भारत को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म का देश भारत है, ये बुद्ध का देश है, योग का देश है, युद्ध का देश नहीं है। इसको ये है उषा, तो ये 2003 तक मैला साफ करती थी और बचपन से ही 7 वर्ष से साफ करती थी। शादी हुई तो फिर उसी में हुई, फिर इसको स्टाफ से निकाल के गए, फिर मंदिर ले गए, पूजा पाठ कराया। ईशा लगे लास्ट ईयर गत साल 8 नवंबर को इसको पद्मश्री मिला। तो पद्मश्री जो है तो पहले लोग पहनते थे वो नीली साड़ी, अब पहनते हैं पीली साड़ी, क्योंकि पिलोरे का पिलो संस्कृति बोलती है, अंग्रेजी बोलती है और इसका तो अब स्थान ही बदल गया है। कि पद्मश्री होने के बाद 1 रुपया भी आज तक हम लोगों ने कहीं से नहीं लिया है। तो ये तो थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, जाति और धर्म के नाम पर ये सच है कि बंटवारा कतई नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि सब एक ही ईश्वर की संतान कहते हैं, सब एक ही पूर्वजों की संतान। और मैं तो कहता हूँ प्रकृति ही हमारी मूल संस्कृति और वही हमारा मूल धर्म है, सबका नेचर एवरीवेयर इज इक्वल। सो 5 एलिमेंट्स एंड 5 सेंसेस,
होल नेचर इज एवरीवेयर इक्वल, सो द डिफरेंस जो हम करते हैं मनुष्य मनुष्य में, थोड़ा कर्म सबका नॉलेज, सबका कर्म, सबका जो स्किल है, एक्सपर्टीज है, वो अलग हो सकता है। और नॉलेज, एक्सपर्टीज और स्किल के अलग होने से कोई भेदभाव कैसे होना चाहिए? तो परस्परता में पूरकता की हमारी संस्कृति। भारत को पहला प्रधानमंत्री मिला है जो आने वाले 50 वर्षों की नींव डालने वाले, 50 वर्षों के फाउंडेशन वाले 100 से अधिक बड़े अभियान एक साथ लेकर के आगे चल रहा है। माने वोट बैंक बनाने वाले जो कार्यक्रम है वो तो 2-4 है, देश बनाने वाले कार्यक्रम 90 से 95%, ये फर्क है मोदी जी और दूसरे प्रधानमंत्री। अभी हमारे करीब 80 करोड़ इस देश में ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए भी पूरे व्यवस्था नहीं है, तो मोदी जी वो सब काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो कार्य जो राष्ट्र निर्माण के, चाहे वो स्किल इंडिया है, चाहे वो डिजिटल इंडिया है, चाहे स्वच्छ स्वस्थ भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, आज आर्मी से लेकर के हर क्षेत्र में, आज अपने देश की सेना 90% आने वाले 5-10 वर्षों में सारे हथियार अपने आप बना सकेगी, ये केवल मोदी जी के ही विजन से संभव है। नहीं तो अभी तक तो हम कहाँ हमसे आगे रहता, रसिया कहाँ हमसे आगे रहता, जापान या कहाँ आगे हमसे रहता, चाइना और अमेरिका, माना कि वो देश भी बड़े पुरुषार्थी, में किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान को आने वाले 50-100 सालों के विजन के साथ में लेकर के चलना, और इसके विविध आयाम एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्री से लेके प्रोडक्शन से लेकर के, और जो अलग अलग जो है हमारा धर्म अध्यात्म और संस्कृति, माने संस्कृति मूलक समृद्धि, ये एक साथ दोनों पहलुओं को लेकर के चलना, जिसको हम अपने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, जिनको हम अभ्युदय और निश्चय कहते हैं, जिनको हम निवृत्ति और प्रवृत्ति कहते हैं, पुरुषार्थ और परमार्थ कहते हैं, एक साथ दोनों को का संगम करके चलना, माने एक तरफ हम पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे हो, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम आंख में आंख मिला करके बात कर सके, बराबरी के साथ में हम बात कर सके, चाहे अमेरिका हो या जो है चाहे वो चाइना हो, चाहे रसिया हो और दुनिया के यूरोपियन देश हो, हम आंख में आंख मिला करके और बराबर में बैठ करके और बराबर की बार्गेनिंग कर सके, जो बार्गेनिंग पावर जिसको पॉलिटिक्स में कही जाती है वो तभी आती है जब देश सभी दिशाओं से आगे बढ़ता है। और एक शब्द बोलता हुआ कई बार, कुछ ठलवे लोग हैं इस देश के अंदर, ठलवे वो बैठे बैठे सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, ना जाने क्या क्या बकवास करते रहते हैं, उनको यदि कोई उन 10-20 पोस्ट एक साथ देख रहे तो लगेगा कि भारत में कल को प्रणव हो जाएगा। तो उन ठलवे लोगों की छोड़ दीजिए, इस हिंदुस्तान के करीब 80% से ज्यादा लोग आदमी मोदी जी जैसा देश बनाना चाहते हैं, सभी दिशाओं से भारत समुन्नत हो, एक समता मूलक, एक न्याय मूलक, एक स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, एक स्वस्थ, एक स्वच्छ और एक समृद्ध परम वैभवशाली भारत। मैं आश्वस्त हूँ कि आजादी के इस अमृत महोत्सव पर जो विविध आयाम लिए हैं।